नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं, अभी हाल ही में पंजाब में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो किस चीज का है। पंजाब फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट रेंजर की वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि पंजाब फॉरेस्ट गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पंजाब फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पंजाब फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस क्या होगा, पंजाब फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में पंजाब यानी PSSB फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्ट रेंजर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में डाउट बने, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए या फिर कोई चीज़ रह जाती है बताने के बारे में, तो इसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वो सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, PSSB फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट रेंजर वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पंजाब यानी PSSB पंजाब ने विज्ञापन संख्या 7/2022 के तहत वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड और वनपाल रेंजर यानी फॉरेस्ट रेंजर के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार पंजाब PSSB ने वन रक्षक और वनपाल रेंजर के 204 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 19 मई से आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से PSSB फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्ट रेंजर भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम पंजाब फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर रेंजर वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं PSSB फॉरेस्ट रेंजर एंड फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो फॉरेस्ट रेंजर की दो पोस्ट है, फॉरेस्टर की दो पोस्ट है। इसके अलावा आपकी फॉरेस्ट गार्ड की 200 पोस्ट है, जिसमें से मेल कैंडिडेट के लिए 134 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 66 पोस्ट है। तो इस तरह से टोटल अगर बात करें तो आपसे 204 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी PSSB फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्टर के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना, क्या मांगा गया इसमें। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से किसी भी विषय में अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आपने आर्ट्स साइंस कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर से भी अगर कर रखी है 12वीं कक्षा पास तो भी आप क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज है वो आपकी 37 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो PSSB फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 19 मई 2022 से आपके फॉर्म भरने हैं वो शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें पंजाब फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्टर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो ये अभी इन्होंने बताया नहीं है, ये आपको जल्दी बता दिया जाएगा। हो सकता है 1 मंथ तक आपके फॉर्म वो भरे जाएं, बाकी आपको इसके बारे में जल्दी क्या इसके लिए सूचना वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है, SC BC एंड EWS के लिए 250 रुपये फीस लगेगी, एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट के लिए 200 रुपये लगेगी और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 500 रुपये आपकी फीस है वो रखी गई है। इसके अलावा फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं PSSB फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्टर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें अपन तो इसमें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आप जब रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि PE and MT के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका एक नॉर्मल जो मेडिकल है वो आपका मेडिकल एग्जाम रहेगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं PSSB फॉरेस्ट गार्ड का जो रिटर्न एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो पंजाब फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर रेंजर और फॉरेस्टर एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसमें इंग्लिश के आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन सॉरी 25 नंबर के आपके 25
प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंप्यूटर से 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मेंटल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल अगर बात की तो 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और अब बात करते हैं इसका जो पेपर है पंजाब फॉरेस्ट गार्ड का, फॉरेस्टर रेंजर का और फॉरेस्टर का, उसके बारे में। तो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू के रूप में होंगे। परीक्षा का प्रश्न पत्र द्विभाषी यानी अंग्रेजी और पंजाबी दोनों में रहेगा। पंजाब एसएसएसबी परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको क्या है, हो सकता है इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाए, हो सकता है इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाए। तो 80 नंबर का आपका पेपर होगा, वो आपको सोल्व करना होगा। चलिए बात करते हैं P SSSB फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर रेंजर और फॉरेस्टर का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसमें आएगा सेंटेंस एरर, पैराग्राफ कंक्लूजन, क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ बेस्ट क्वेश्चन जो कि पैराग्राफ फिलर के नाम से जान लेते हैं, और पैराग्राफ सेंटेंस रिस्टेटमेंट के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल पैराग्राफ और फिलर से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा इसमें, तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक सीन, स्पोर्ट्स, जियोग्राफी, जनरल पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, कल्चर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में आपकी पंजाब जीके है वो भी इसमें आपकी सम्मिलित है, ध्यान रखना आपको पंजाब जीके के भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका करंट जीके का भी कुछ पोर्शन आएगा इसमें, तो आपको करंट जीके भी अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। बात करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा, तो उसमें आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटीजर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, नंबर सिस्टम, एचसीएम एंड एलसीएम, रेशनल नंबर, मल्टीपल एंड फैक्टर्स, प्लेस वैल्यू, यूज ऑफ सिंबल, प्राइम फैक्टराइजेशन, एस्टिमेशन ऑफ नंबर, क्वांटिटी इक्वेशन, वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, बायनोमियल, पॉलिनोमियल्स, होल नंबर, प्राइम कंपोजिट नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, इसके अलावा फ्रैक्शंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास, परसेंटेज, आइडेंटिफाइंग एंड फॉर्मुलिंग रूल, बेसिक ऑफ अलजेब्रा, लाइनर इक्वेशन और वर्ड प्रॉब्लम और नंबर ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस क्या रहने वाला है। बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर नेम एंड यूजेज, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, बेसिक इंटरनेट नॉलेज एंड प्रोटोकॉल्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पेरिफेरल एंड देयर फंक्शन, कंप्यूटर एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंटरनेट बेसिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर टूल, नेटवर्क बेसिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट एंड कंट्रोल, नंबर सिस्टम, बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी और ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं मेंटल एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें क्या क्या आएगा, एचसीएम एंड एलसीएम, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, फंक्शन, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, इक्वेशन, वर्ड लेसन, क्लॉक एंड कैलेंडर, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, एवरेज और जियोमेट्री से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, तो P SSSB फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्ट का PT एंड PMT में आपसे कौन कौन से इवेंट होंगे। तो इसमें हाइट आपकी मांगी है मेल कैंडिडेट के लिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की मांगी इसमें ओनली 70 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट हो कम से कम होनी चाहिए, और इसमें अलावा आपको 5 सेंटीमीटर वो चेस्ट है फुलानी भी होगी। इसके अलावा अगर बात करें रेस एंड वॉक की, तो मेल कैंडिडेट के लिए 25 किलोमीटर की दो जो वॉक चाल है वो 4 घंटे में आपको पूरी करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 14 किलोमीटर की आपकी वॉक चाल है वो 4 घंटे में आपको पूरी करनी है। तो इस हिसाब से आपका क्या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपसे क्या लिया जाएगा। जब आप ये पास कर लोगे तो उसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो उसके बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी पंजाब फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर रेंजर की सैलरी बारे में अगर बात करें तो पे स्केल आपका 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म हो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में पंजाब में फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर रेंजर और फॉरेस्टर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी किया है। इसके अलावा यहाँ पे चर्चा की है कि P SSSB फॉरेस्ट गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, P SSSB फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, P SSSB फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस क्या होगा, P SSSB फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको पंजाब फॉरेस्ट गार्ड,
फॉरेस्टर रेंजर और फॉरेस्टर की भर्ती के बारे में जितने भी आपको जानकारी चाहिए थी वो सारी जानकारी में यहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा की। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन देखकर उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।